अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। की उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत से होंगे, फिट होकर खुश होकर सब फाइनली बैक आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक रहने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं किसकी लेने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आसिफ गेमिंग जो के फेसबुक स्ट्रीमर है गाइस, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक गेम प्ले करते हुए दिखाई देते हैं बॉयज। और आज की लॉबी जो के काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रही है, जिसमें रैग्नार और सीजन 1-2 आल तो भाई साहब नॉर्मल तरीके से देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत जबरदस्त गेम प्ले रहने वाली है। और आप लोगों को पता चले बॉयज, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, 17K सब्सक्राइबर्स हमारे फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। और आप जल्दी जल्दी से रमजान से पहले 20K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवाए तुम लोगों ने। और कल की वीडियो का टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को दिया था 1K का 900 का, जो कि वो आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का लाइक एवं रखते हैं 1K, सो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, एंजॉय गेम प्ले। तो भाई हमेशा की तरह भाई आप लोगों का लैंड कर चुका है पीक पर, और कहीं ना कहीं इसी का सीन है पीक पर, तो कोई नहीं उतरा यार। लॉबी जितनी ज्यादा खतरनाक थी तो पीक पर उतरना चाहिए था, और इसको कहते हैं परफेक्ट मोहिमो ड्रैगन के साथ होना कहीं ना कहीं। लेकिन लेट्स सी यहाँ पर लूट वगैरह हम लोग कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं M4A1 और किंगफिशर मिली है जो कि गन्स वगैरह हम लोग देखते हैं। अंदर से हमें कोई खतरनाक वाली अच्छी गन्स मिल जाए तो हम लोग रश की तरफ चले। रश करें तो करें किधर यार, पीक रश के लिए होता है, और पीक पर कोई आए नहीं। फाइनली M10 वगैरह मुझे मिल चुकी है, और M10 के साथ यहाँ पर M60 भी भाई के हाथ में आ चुकी है। तो M60 आप लोगों को पता है रीजन में वैसे टॉप 1 पे देखने को मिलता हूं, और लिटरली। लेकिन अगर बात करते चले इसके कल के कमेंट सेक्शन में जो कि काफी सारे मेंबर्स जो कि ये कह रहे थे कि यार M79 चैलेंज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, भाई टेंशन ना लो, M79 का चैलेंज जो कि बहुत ही जल्द कंप्लीट हम लोग कर देंगे। सो डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि भाई आप लोगों का आजकल दूसरी गन्स जैसे कि GA3 जो कि टॉप 1 पे बैठा हुआ है, और फाइनली यहां पर वहां पे कोई नहीं था तो लूट शूट करके हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, और यहां पर लैंड किया हम लोग। मुझे यहां पर बंदा नजर आता है तो M60 के साथ यहां पर मैं शॉट करता हूं, वो काफी अभी सोनी ऑन की है, और सोनिया के साथ यहां पर अपनी एबिलिटी ऑन करके इसको जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। और सामने ही हर्ट अभी भी कंप्लीट हुआ है, तो यानी कि ऊपर हवा में भी बंदे आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, और वही चीज आ रहा है, तो पकड़ते हैं इसको जल्दी जल्दी से। और गया एक ही गोली, क्या आई थिंक हाँ गया, अरे जिन आर्मी के साथ तो चलो प्रैंक हो गया। ओके इसको जल्दी जल्दी से जाके मारते हैं, और कोई तो नहीं है आई थिंक, नहीं कोई नहीं है। फाइनली चलो एक ही उतरा है, रिवाइव एक के लिए हर्ट कर रहा था यार, बंदा का कॉन्फिडेंस चेक करो यार। ऊपर से हमजा को कहीं ना कहीं पड़ी है, तो मैं यहाँ पर होल्ड करके देख रहा था कि यार मुझे कोई एम नजर आए तो मैं पकड़ लूँ उस बंदे को, लेकिन यहाँ पर इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। तो आई थिंक ये हवा में था, तो इसको इतने इसके बाद लूट वगैरह तो कुछ नहीं होगी, तो ऊपर जाते हैं जल्दी जल्दी से और अपने टीममेट को ही बचाते हैं, क्योंकि उसके पास जो कि बंदा, और आसिफ गेमिंग जो कि कहीं ना कहीं यहां पर जाके मुझे पता चलता है कि यार आसिफ गेमिंग था जो कि सीजन 2 था। तो लेट्स सी हम यहां पर आने वाले हैं क्या, नहीं हमारी टक्कर होने वाली है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, जिन्होंने लाइक मारो। और यहां पर हमजा ले गया टीममेट को, और जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं और लूट शूट मार लें, चिप शिप कोई मिल जाए तो बस मजा ही ना आ जाए। M60 को ट्रिपल करके और M10 को भी ट्रिपल करके फिर देखते हैं कौन मुकाबला करता है बाजी, क्योंकि यार लूट जब तगड़ी होती है ना और टीममेट अपने साथ होते हैं तो फिर बुया कंफर्म होता है। लेकिन देखना पड़ेगा आज की, क्योंकि लॉबी जो कि थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर लॉबीज की निस्बत तगड़ी देखने को मिल रही थी, तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन बंदे कोई नहीं नजर आ रहे मेन प्लेसेस पे, कोई भी बंदा नहीं। देखो आप लोग यहाँ पे बीमा शक्ति के ऊपर भी ओनली हमें 2 मेंबर देखने को मिले हैं, उसके अलावा पीक पर तो हमें 1 भी नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर हम लोग आके इरादा करते हैं कि यार मिशन वगैरह भी कर लिए जाए साथ साथ, और मैं चिप वगैरह बाय करता हूँ यहाँ पर M60 वगैरह ट्रिपल करने के लिए। तो मिशन मेरे यहाँ पर करवाए जा रहे हैं हमजा की जानब से, तो आप जल्दी से मिशन भी कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात अब किल वगैरह तो नहीं मिल रहे तो मिशन तो कर ही सकते हैं ना पहले। तो जब मिशन हो जाएंगे तो फिर किल भी आराम से निकाल लेंगे, और किल ज्यादा भी नहीं कर सकता मैं, तो अब मिशन से फ्री हो चुका हूँ। चिप मैंने ली थी जो कि ट्रिपल करते हैं, और इतने में ही फाइट स्टार्ट हो गई है, और सीजन 1-2 अरे फाइनली ये कौन है, मुझे लग रहा है आसिफ ही है। तो यहाँ पर एक को नॉक किया मैंने, आसिफ ने मुझे काफी तगड़ा डैमेज किया भाई साहब, ओनली 29 HP। मेडिशील्ड लगाते हैं यहाँ पर, और मेडी के बाद फौरन से ना फायर निकलते हैं, क्योंकि M60 यार बैठ के चलानी है, और बैठ के तो आप लोगों को पता है चल नहीं रही यार। तो यहाँ पर एबिलिटी में लगाता हूँ, और एबिलिटी के साथ इसको यहाँ पर हिट करता हूँ, और ओनली रेड लगी आसिफ गेमिंग की था, और दूसरे टीममेट को भी ओनली रेड। भाई साहब ये क्या चल रहा है यार, आजकल तो भाई आप लोगों का अल्ट्रा लेवल पे जा रहा है, समझ रहे हो हेडशॉट पे। तो अब यहाँ पर फाइनली फिनिश किया है, और लूट शूट इनके पास काफी हैवी किस्म की थी, तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो क्या है यार ये बंदे। लेकिन उनको आगे नहीं पता था कि आखिर भी रीजन टॉप 1 बैठा हुआ है, तो अंदाज़ उतरा है उनको महंगा पड़ गया कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर अपने टीममेट को सिक्योर भी किया, और मैं ऊपर देख रहा था कि आ रही ना रहा हूँ, इतने में मुझे नीचे से यहाँ पर शॉट पड़ती है ड्रैगनोव की। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि यार इनका एक और टीममेट आई थिंक यहाँ पर पहुंचा है, जो कि कहीं ना कहीं अकेला ही क्लच के मूड से आया है। लेकिन देखते हैं बॉयज क्या करता है, क्या वाकई में ही बंदा
कर पाएगा या नहीं। और बंदा यहाँ पर देखता हूँ और मैं M10 के इसको शॉर्ट कराता हूँ। यार इसको नॉक होना चाहिए था यार। ओए भाई ले जाई, अरे डेविल ले जाई। ओके फाइनली चलो 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 ले गया ले गया ले गया, डेविल ले गया, लेकिन किस्मत खराब है उस बेचारे को फिनिश कर गया। लेकिन कोई ना, जल्दी जल्दी से जाते हैं और अपने टीममेट को सिक्योर करते हैं, रिवाइव देते हैं और अपना मिशन भी कंप्लीट करते हैं। और इतने में ही आर्सेनल भी ओपन हो गया, वहाँ पे भी फाइट हो रही है। तो मैंने डेविल को बोला आप उधर जाओ, तो मैं इसको रिवाइव दे के आता हूँ ताकि यार फाइट भी ले सके, और अगर डेविल इनकेस नॉक भी होता तो मैं यहाँ पर मिशन करके रिवाइव का वो मिशन कर लूंगा ना, समझा करो यार। तो अब यहाँ पर 4 किल भाई के यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और 30 प्लेयर स्टिल अलाइव, और मुझे किल्स भी 10 से ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। टेट्रा लेजेंड भी इनके साथ ही था, इलिमिनेट हुआ है। क्या लगता है बॉयज, टेट्रा लेजेंड भी इन्हीं के साथ था? ओके इलिमिनेट हो गया, कोई ना बॉयज, भाई किल पड़ के इलिमिनेट हो गया क्या? लेकिन चलो यहाँ पर मुझे टीममेट कहते हैं कि यार ऊपर से मैं पड़ रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पर डेविल को एक गोली को छोड़ा, और ये देखो इसको बोलते हैं परफेक्ट कवर। वो ऊपर बैठा हुआ था खामोशी से, तो मैंने स्कोप इन किया तो एम रेड हुआ, मैंने कहा पकड़ लो इसी को यहीं पर ही। और यहाँ पर यूविया को जल्दी से हटा देते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन डिस्प्ले हो रही होगी, उनको काम खराब करेगा यार ये फाइट करते वक्त। तो अब जल्दी जल्दी से जाते हैं, इसकी भी लूट कर लेते हैं और ऊपर वाले को भी। यार मुझे शिप ले लेनी चाहिए थी, M10 के लिए भी M10 ट्रिपल वगैरह कर लेता, नो डाउट मिस कर दी यार मैंने। लेकिन चलो कोई ना, देखते हैं अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो यार M79 जो चैलेंज हमारा चल रहा है ना यार, वो आप लोगों को पता है यार M79 मिलता नहीं है जल्दी करके यार, जिसकी वजह से काम खराब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, टेंशन ना लो, कोशिश कर रहे हैं। जब ऑडियंस ने बोला है तो इसका मतलब कंप्लीट होगा, लेकिन नो डाउट देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग काफी देर घूमने फिरने के बाद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यूविया के अंदर जाना चाह रहे हैं हम लोग। और यूविया के अंदर हम लोग देखें कि यार कोई बंदे तो नहीं है, लेकिन वही चीज होता है और स्क्वाड बैठा हुआ है, आई थिंक आ रहा है जोन से निकल के। तो पकड़ते हैं इनके इनको ही, और यहाँ पर डैमेज कराया, पहला किल चोरी हो गया, लेकिन कोई ना, दूसरे पे यहाँ पर वॉल तोड़ा है और अबिलिटी यहाँ पर फौरन से मैं यूज करता हूँ और नॉक कर देता हूँ। और ऊपर वाले को भी यहाँ पर डैमेज कराया, सोनिया ने और गया यार। मुझे इस बात का तुम लोग जवाब दो कमेंट सेक्शन में, याद से तुम लोगों ने बताना है मुझे यार कि यार ये सोनिया दोबारा से किल चोरी वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है ना, क्योंकि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, यानी कि कल सारे दिन मैंने गेम प्ले की और मैं सोनिया ऑन करता ही और दूसरा टीममेट मेरा किल उठा जाता यार। मैंने पहले वैसे ही देखा और अभी भी मुझे इसी तरह लगा, लेकिन आप लोग बताओ यार, मुझे लग रहा है सोनिया वापस से वही कर दी गई है, किल चोरी अब टीममेट कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ आप लोगों ने बतानी है, लेकिन कोई ना भाई, यहाँ पर बंदे को हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब 6 किल हो चुके हैं और यार बंदे देखो फिनिश होने को राजी नहीं है। यहाँ पर मुझे बंदा नजर आया, इसको मैंने फिनिश किया यार। अब 7 किल हो गए हैं और 30 बंदे हैं। अब यार कैसे बचाऊं यार मैं, अब किल ना करूं ये क्या करूं यार अब, क्योंकि किल भी कम रखने हैं और समझ रहे हो इतनी ज्यादा कंडीशंस होती हैं यार, रीजन में बैठना कोई आसान नहीं है, कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पर 30 प्लेयर हैं, 30 में से अब तुम लोग बताओ कि मैं 2 किल कैसे निकालूं यार, लेकिन कोशिश मैं पूरी करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मुझे बंदे दोबारा से नजर आए हैं, तो अब यहाँ पर अपने टीममेट्स को भी साथ साथ मैं किल निकलवाऊंगा। नो डाउट उनके किल्स हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यार वो भी रीजन में मतलब उस तरीके से नहीं है, तो इतना नहीं है। अब यहाँ पर मैं डैमेज को कराता हूँ, इतने में मुझे वो कहता है डेविल यार मैंने किल करने हैं, तो मैंने कहा चलो यार मोस्ट वेलकम, किसी ने तो बोला का फाइनली। तो मैं यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ कर ले किल जल्दी से, तो फाइनली इसने नॉक कर दिया यहाँ पर और डैमेज देकर इसको फिनिश कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। और बाहर यहाँ पर फाइट चल रही है, तो हम लोगों ने कहा चलो जल्दी जल्दी से पहुंचो, मारो थर्ड पार्टी और स्क्वाड को जल्दी, जितने जल्दी उसके ना लॉबी को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर ऊपर मुझे बंदा नजर आता है, तो मैं उसको यहाँ पर काफी तगड़ा डैमेज देता हूँ और मैं यहाँ पर रिलोड करके अबिलिटी यूज करता हूँ और इसको डैमेज काफी तगड़ा दिया। वो बेचारा जोन की वजह से बेचारा हील कर रहा था और फिर से वो पकड़ा गया। यहाँ पर डेविल ने फाइनली स्क्वाड वाइप कर दिया है जबरदस्त। अब यहाँ पर 20 बंदे चलो फाइनली आ चुके हैं और ये बाइक आया है और आई थिंक हाँ आया है, बिल्कुल आया है। उसने सोलो रिवाइवल ले लिया, उसने सोलो रिवाइवल, पकड़ो इसको भाई साहब, ये तो पास से निकल गया। अरे उसकी मिशा लगी हुई है यार, शिट, लेकिन छोटा ड्रैगो आई थिंक पकड़ लेगा, छोटा ड्रैगो। ओए बस है, पर देखो छोटा ड्रैगो कैसे चला रहा है यार। अरे फाइनली दे गया, ओ जबरदस्त यार, छोटू हैवी होगा। चलो इमोट करते हैं, वाइप कर दिया उस बेचारे को यार। कोई ना, किल शिल देखो कोई नहीं किया, लेकिन 20 बंदे रह गए हैं। तो अब यहाँ पर जोन से निकलते भी, लेकिन एमओ जीरो हो गया मेरे पास, एमओ वगैरह भी बाय कर लेते हैं जल्दी से, फिर जोन की रीच करते हैं। और आगे बंदे काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर डेविल को नॉक कर दिया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर किल्स भी बंदे काफ़ी तगड़े तरीके से यार कर रहे हैं। और स्कॉयलर आया वो देखो, अरे हुए ये क्या था, बातों में ये क्या था एकदम से यार, और मतलब पूरा बैठा हुआ बेचारे को, उसको फिनिश कर दिया। लेकिन कोई ना भाई, आप लोगों का रिवाइव देने जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेने का। आप तुम में से काफी सारे प्लेयर कहोगे कि यार ड्रैगो भाई दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका यार, आखिरी जोन में रिवाइव देने जाओगे यार उसको,
खुद बैठ के बाइक पे, अरे यार ब्रो मिशन करने यार, मिशन बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता प्लस लेना होता है यार, समझ आ करो यार, जो रीजन प्लेयर्स है उनको तो पता होगा इस बात का क्या क्या सीन होता है प्लस किस तरीके से करना है। तो फाइनली मैंने छोटू को बोला कि मुझे रिवाइव करने दे, तो मैं फाइनली इसको रिवाइव देता हूँ, जल्दी जल्दी से बाइक पर दोबारा बैठता हूँ और मैं कहता हूँ भाई अब जल्दी जल्दी से भगा ले क्योंकि जोन का डैमेज बढ़ चुका है और इससे पहले कि 50+ HP जाना स्टार्ट हो जाए तो निकल जोन से जल्दी से। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से जोन से निकल आ चुके हैं और अब यहाँ पर जो कि बंदे बैठे हुए हैं ना अब यहाँ पर जो कि इर्द गिर्द हमारे हैं तो उनको पकड़ते हैं अब यहाँ पर। इसको मैं डैमेज काफी ज्यादा करवाता हूँ, एबिलिटी यहाँ पर यूज करता हूँ। अच्छा यहाँ पर मुझे पता है कि यार दो बंदे हैं लेकिन मैं एक को डैमेज मैंने काफी तगड़ा करा, दूसरा बाहर निकल गया था और वो मुझे फौरन से ही नॉक कर देता यार, इतनी खतरा। असल में ना यार डिसएडवांटेज ये रहता है कि M60 आप लोगों को पता है चलाते हो इंसान को बैठना पड़ता है और बैठ के जब चलाते हैं तो ओपोनेंट्स का हेडशॉट बहुत इजीली पड़ जाता है यार, जिसके लिए थोड़ा सा बचना पड़ता है यार, इसलिए मैं बार बार नॉक होता हुआ इस गेम में दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को। वो बॉयज सब ये तो खड़ा हुआ था, बंदे मतलब बहुत तगड़े हैं, ये तो खड़ा हुआ था भाई, इसको ही पड़ गई हेडशॉट। लेकिन कोई ना, आप जोन से भी निकलना है, अब तो नहीं छोड़ता मैं उनको यार, पकड़ना पड़ेगा यार, दो बंदे हैं, दोनों को फिनिश करता हूँ तो फिर मुझे स्किल नहीं करने पड़ेंगे, तो इनको जल्दी से पकड़ते हैं। पहले एक गया, दूसरा भी गया, ओके एक को फिनिश करते, दूसरे को नहीं कुछ कहना, दूसरे के पास अगर हील हुआ ना तो वो रिवाइव हो जाएगा, तो फाइनली फिर मैं एंड पे ना किल शिल एक निकाल लूंगा, मुझे गड़बड़ वाला सीन ही। ओए उठ गया फाइनली, शुक्र है यार, ओके नाइस, समझा, जबरदस्त यार, जबरदस्त टीममेट हो तो ऐसे हो, क्या बात है, किल चोरी कर लिया बंदे ने लेकिन कोई ना भाई, जैसे मैं किल नहीं करना था मैंने इसकी वजह से यार, चलो चोरी कर लिया, खैर कोई मसला नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं नीचे की तरफ और अब यहाँ पर छह बंदे बचे हैं, यहाँ पर हमारे अलावा तीन बंदे हैं। मैं यहाँ पर अपनी मशीन ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो कि एमओ वगैरह निकाली है मैंने, काफी ज्यादा चीजें निकाली हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे बंदा नजर आता है और वो भाई यार क्या चला रहे हैं बंदे यार, आज तो एंड लेवल वाला सीन चल रहा है, लेकिन सेल्फ रिवाइव हो गया हूँ। अच्छा छोटू को भी अगर रॉक कर दिया गया कहीं ना कहीं, यहाँ पर छोटू भी आई थिंक सेल्फ रिवाइव उसके पास भी है बिल्कुल, और ये बंदे इलिमिनेट हो रहे हैं जोन के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि सामने छोटू की तरफ से बंदे जो कि जोन में इलिमिनेट हुए हैं। अब ये वाला जो बंदा बचा है ये आखिर, यहाँ फाइनली ये आखिरी बंदा है, ये आखिरी बंदा, तो इसको पकड़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। और अब यहाँ पर आई थिंक आसिफ जो कि अब लॉबी में फिनिश हमारे बीच नहीं रहा, अब यहाँ पर आखिरी बंदा है, इसको पकड़ना पड़ेगा, हो सकता है क्या पता उन्हीं का टीममेट हो, लेकिन उसके अब शॉट स्टार्ट किए हैं मैंने। चलो अब इसके क्लोज जाते हैं जल्दी जल्दी से और इसको पकड़ते हैं, वॉल लगाकर उस बेचारे का HP नहीं है और उसके बिल्कुल ही वो मेडिकेट कर रहा है, और फाइनली शॉट लगा के फिनिश कर देता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और प्रीवियस वीडियो लाजमी वॉच कर लेना, बहुत हैवी किस्म की गेम प्ले थी OB के साथ हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।